जैसे ही मैं सभागार में एंटर हुआ तभी फोन आ गया और भाई साहब कविता पढ़ रहे थे, उन्होंने तुरंत में टोका। अच्छा फोन आ गया, जरूरी हो गया। उसी फोन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि फोन की स्थिति क्या हो गई। परसों मुझे एक रेस्टोरेंट में जाने का अवसर मिला और चार मित्र एक टेबल बैठकर बात कर रहे थे। जैसे ही मुझे लगा कि शायद ये बहुत कोई गंभीर विषय पर जोर जोर से बातें कर रहे हैं, मैं जब देखा वो बातें करते रहे, खाना खाने उठते चल दिए। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि चारों आपस में बातें नहीं कर रहे थे, हर आदमी सिर्फ अपने सेलफोन पर दूसरे से बात कर रहा था हर आदमी अपने सेलफोन पर दूसरे से बातें कर रहा था। तो श्रीमान जी, सेलफोन की यही स्थिति है जी। अभी डॉक्टर वारी जा रहे हैं, उस कन्या का, बहादुर लड़की का जिक्र किया जिसके साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार, पाप और यह अपराध कहीं हुआ था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वो लड़की मेरे पड़ोस की रहने वाली थी, उसने वहीं साईं से ही उसने कोर्स किया था। और अपराध तो होते रहते हैं, न्यायाधीश हूं, न्यायाधीश के सामने अपराध के बहुत सारे किस्से आते रहते हैं। अपराधों ने मुझे उतना उद्वेलित नहीं किया जितना उस बात ने किया कि वो लड़की सर्दी की रात में सड़क पर पड़ी रही और हम जैसे सभ्य लोग, वो तो अपराधी थे ही थे, हम जैसे सभ्य लोग गाड़ी में से गुजरते रहे, किसी ने देखा। जब मुझे बोले मन को बहुत दुख हुआ और तब मैंने लिखा कि हम किस शहर में रहते हैं, उसी के बारे में दो पंक्ति माफ सर्च कर उर्दू में है। हर जंगल से बेखौफ गुजर जाता हूं, जंगल में डर नहीं लगता, हर जंगल से बेखौफ गुजर जाता हूं परंतु शहर में घुसता ही सहम जाता हूं। हर जंगल से बेखौफ गुजर जाता हूं लेकिन शहर में घुसते ही सहम जाता हूं। अब डर नहीं लगता जानवर की चिकारों से, लेकिन जब आदमी चिल्लाता है तो मर जाता हूं। ये उनको श्रद्धांजलि। बहुत सारी बातें हुई यहां पर श्रृंगार रस की, और डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्रा को श्रृंगार रस के कवि हैं, मुझे कोई रस नहीं आता। कुछ लाइनें मैंने श्रृंगार रस के बारे में ट्राई की है, छंद में व्रंद में कहीं कमी होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, अगर कहा तो मैं पढ़ देता हूं उसे, अगर अनुमति अध्यक्ष जी अनुमति। कैसे तुमको कोई बताए तुम पूजा की माला का मोती, तुम विद्या की जूही कली हो, तुम मंदिर के दीपक की ज्योति। अग्नि में परखी सीता हो तुम, पूर्ण ज्ञान की गीता हो तुम, राधा सरी की तुम संगी हो, अमर प्रेम की कविता हो तुम। सौंदर्य की परिभाषा तुम हो, जीवन की अभिलाषा तुम हो नीर किसी के नैनों का, सुनहरे भाव की जिज्ञासा तुम हो। किसी के मन का मीत हो तुम, किसी पर विरहन की प्रीत हो तुम, पुष्प किसी के आंगन का हो, किसी के मन की जीत हो तुम। तुम किसी कवि की कल्पना हो, तुम किसी के हार की अल्पना हो, सावन की पहली बूंद हो तुम किसी का सुंदर सपना हो। दूर नहीं पास हो तुम, पास नहीं एहसास हो तुम क्या जानो तुम क्या हो, अधरों की मीठी प्यास हो तुम। कहाँ मिलना था कहाँ मिली हो, कहाँ खिलना था कहाँ खिली हो, क्या पा रहा था क्या पाया है, जब हंसना था तभी जली हो। सीने में सपनों का सागर, अधरों पर अनकही कहानी है, नैनों में रीति गगरिया है, पलकों पर झील सा पानी है। कब तक ऐसे जहर पियोगी, कब तक अरमा यूं ढलते लिए, कब तक ऐसे यूं जियोगी, कब तक यूं आंसू छलके लिए। और अंतिम पंक्ति है, जीवन का हर पल अनुपम है, जीवन का हर पल अनुपम है, इसको यूना वर्त कहवाओ, अवसादों से तोड़ के नाता, आशाओं के फूल खिलाओ। धन्यवाद, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।